इसमें लाइव नहीं दिखा रहा है, लाइव की संख्या कितनी है, कहाँ दिखा रहा था यार? अरे उसमें लाइव मतलब कितने लोग, लाइव ही नहीं दिखाता है इसमें। हेलो दोस्तों, विद्या विकास क्लासेस में मैं कमलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूँ। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आवाज है क्लियर है क्या, एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। स्मिता सिंह जी हैं, गुड इवनिंग सर। अंजलि जी हैं, एक बार सभी बच्चे वीडियो को शेयर करिए और साथ साथ कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज क्लियर है ना। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करिए। राहुल सिंह जी हैं, गुड इवनिंग सर। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, वॉइस क्लियर है सर, स्मिता सिंह कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने क्लास को हम लोग तो करेंगे आज की क्लास में। तो सभी बच्चे वीडियो को एक बार ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। राहुल सिंह है, शेयर करिए आप लोग। ठीक है, देखिए हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहिए, ठीक ना। देखिए मैं अपने सवाल को ले रहा हूं, जो प्रश्न नंबर 7 है, इसको मैंने आपको इसके पहली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 8 के सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जो इसका 8वां सवाल है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूं प्रश्नावली। प्रश्नावली जो है, यह प्रश्नावली आपकी है 12.3। जो प्रश्नावली आपकी चल रही है वो 12.3 है, इसी के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, ठीक ना। यहां पे देखिए इसका 8वां सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 तक के सवालों को मैंने आपको इसके प्लस पहली क्लास में मैंने सॉल्व करवाया है। इसका 8वां सवाल देखिए ध्यान से आप। इसका 8वां सवाल कह रहा है कि आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, मतलब एक पथ बनाया गया है जो दौड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक ना। और इसके बाद कह रहा है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, जो उसके दाएं सिरे हैं और बाएं सिरे हैं दोनों अर्धवृत्ताकार हैं। और उसके बाद कह रहा है अर्धवृत्ताकार है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है तथा उसमें प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला सवाल में कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, और दूसरी सवाल में आपसे पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ज्ञानदीप कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग सर। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे मैक्सिमम लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। देखिए सवाल में आपको फिगर दिया, तो यहां मैं फिगर बना लेता हूं। यहां पे इस तरीके से दौड़ने का पथ बनाया गया है और कह रहा है कि जो दोनों सिरे हैं इन दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार है, यहां भी अर्धवृत्ताकार है और यहां भी क्या है अर्धवृत्ताकार इस तरीके से है।
यहाँ पे फिगर आपके किताब में कुछ इस तरीके से दिया होगा, आप लोग ध्यान से इस फिगर को बना लीजिए। इस तरीके से दिया है ठीक ना। और सवाल में कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 60 मीटर दिया है। और साथ साथ कह रहा है कि जो दौड़ने का पथ है उसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, मतलब जो दौड़ने का यह पथ है इसके चुया वाला सिरा है और चुया वाला सिरा है यह दोनों अर्धवृत्ताकार है। तो आप इसको इस तरीके से अगर मिला देते हो, अगर इसको इस तरीके से मिला देते हो और उसी तरीके से इसको आप इस तरीके से मिला देते हो तो आप देखोगे तो यह वाला सिरा है और जो यह वाला सिरा है दोनों सवाल में कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार है। कैसा है तो बताओगे, दोनों सिरा जो है वह अर्धवृत्ताकार है, मतलब जो यह वाला सिरा ये भी अर्धवृत्ताकार है और जो यह वाला सिरा ये भी अर्धवृत्ताकार है। और उसके साथ साथ देखिए जो चीजें दिया उसको आप पहले लिखते चलिए, दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितना दिया है, तो बताओगे 60 मीटर है, मतलब जो आंतरिक है यह वाला और जो यह वाला रेखाखंड है इसमें आंतरिक रेखाखंड को लेना है। तो जो यह वाला रेखाखंड है और जो यह वाला रेखाखंड है इसके बीच की दूरी सवाल में दिया है 60 मीटर है, तो मतलब आप बताओगे जो यह वाली दूरी होगी दोनों के बीच, यह दूरी दिया है सवाल में 60 मीटर है, तो यहाँ पे 60 मीटर हो जाएगा। साथ साथ में यह कह रहा है कि प्रत्येक रेखा खंड जो है वह 106 मीटर लंबा है, जो यह रेखा खंड है यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है वह सवाल में कह रहा है 106 मीटर है। तो बताओगे जो यह रेखा खंड है इसकी दूरी तो होगी 106 मीटर होगा, तो यह दूरी कितना हो जाएगा 106 मीटर हो जाएगा ठीक ना। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, मतलब जो यह रास्ता आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से आपको दौड़ना है, इस रास्ते पे आपको इस तरीके से दौड़ना है और जो यह रास्ता है इस रास्ते की चौड़ाई सवाल में दिया है 10 मीटर है, तो यह पथ है इसकी चौड़ाई अगर पूछो आपसे कितना है तो आपको सवाल में दिया है 10 मीटर, मतलब जो यह पथ है इसकी चौड़ाई में पूछो आपसे तो 10 मीटर दिया है ठीक ना। यहाँ पे जो पथ की चौड़ाई दिया बताओगे सवाल में 10 मीटर है, तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई हो जाएगी वह 10 मीटर हो जाएगी ठीक है ना। तो पहले सवाल में क्या पूछा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब जो यह आंतरिक किनारा इस तरीके से है या तो बताओगे बाहरी सिरा हो जाएगा, अगर इसके बाहर चक्कर लगा रहे हो तो बाहरी सिरा पे चक्कर लगा रहे हो, अगर तो यह रास्ता है जो पथ है इसके आंतरिक सिरे में चक्कर लगाने की चर्चा सवाल में कर रहे हैं, तो अगर आपको चक्कर लगाना है तो आपको इस तरीके से चक्कर लगाओ, इस तरीके से जाओगे और इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके जाओगे और फिर यहाँ पे आ जाओगे तो बताओगे एक चक्कर आप पूरा करोगे। तो सवाल में पूछ रहा है कि अगर आप एक चक्कर पूरा करते हो तो आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, इसी दूरी का मान आपको सवाल में पूछ रहा है ठीक ना। रामेश्वर राम आशीष यादव जी करें गुड इवनिंग सर, लाइक कीजिए आप लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए साथ साथ में शेयर करते रहिए आप लोग और सवाल को समझते भी रहिए आप लोग ठीक ना। तो देखिए ध्यान से आप लोग सवाल में, तो आपसे सवाल में यह पूछ रहा है कि जब आप क्या करते हो इस तरीके से एक चक्कर लगा रहे हो, इस पथ का आंतरिक चक्कर एक लगा रहे हो तो आपको कितना दूरी तय करना पड़ा है, इसी दूरी का मान आपको सवाल में पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि अगर आप एक चक्कर लगा रहे हो यहाँ पे तो आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे पथ का आंतरिक किनारों के अनुदिश, यहाँ पे लिख रहा हूं पथ के अनुदिश यहां पे लिखिए आंतरिक किनारों पर एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी, मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो यह पथ है जो यह रास्ता है इस रास्ता के आंतरिक भाग में अगर एक चक्कर आप लगा रहे हो
एक चक्कर में लगाने में आपको कितना दूरी तय करना पड़ा है, इसी का मान सवाल में पूछ रहा है। तो अगर आप एक चक्कर दूरी तय करते हो तो देखो ध्यान से कैसे निकालोगे। पहले मान लो आप इस बिंदु से चलना प्रारंभ कर रहे हो, इस बिंदु को आप नाम दे दो ए है, ठीक ना। बिंदु ए से आप चलना प्रारंभ कर रहे हो और बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर रहे, फिर कहां पे जाओ बताओगे, बिंदु बी पे जाओगे आप। और उसके बाद यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए आप, मान लीजिए जो पॉइंट है या पॉइंट जो है वो सी कह लीजिए, ठीक ना। तो आप इस तरीके से चार, इस तरीके से आप इसके आंतरिक भाग में चक्कर लगा रहे हो, तो यहाँ से ए से बी पे जाओगे और फिर बी से सी पे जाओगे और सी के बाद यहाँ पे जाओगे तो बताओगे यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे बताओगे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए जिसको आप लोग एफ का नाम दे दीजिए, एफ का नाम दीजिए, ठीक ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो आप बताओगे कि आप एक चक्कर लगा ले रहे हो। तो अगर आपको एक चक्कर में चली गई दूरी निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखिए। अगर पूछो आपसे ए से अगर बी तक जा रहे हो, अगर ए से बी तक जा रहे हो तो पूछो आपसे ए और बी के बीच में कितना दूरी है, तो बताओगे 106 मीटर की दूरी है ना। ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा तो बताओगे, सवाल में दिया 106 मीटर, तो आप ए से अगर बी तक जा रहे हो तो आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो बताओगे 106 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। उसी तरीके से आप जब यहाँ पे जो यह आपको चाप दिखाई दे रहा है बी सी डी, अगर आप इस चाप पे चलते हो आप, तो अगर इस चाप पे चलते हो आप तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो आपके सवाल में यह कह रहा है सवाल में कि जो यह किनारा है, यह किनारा अर्धवृत्त के तरीके से बनाया गया है, ठीक ना। जो यहाँ पे किनारा है वह अर्धवृत्त से बना है। अगर अर्धवृत्त से बना है तो पूछो आपसे कि जो चाप आपको दिखाई दे रहा है बी सी और डी, अगर इस चाप की लंबाई पता करना है तो आप बताओगे कि आप किस तरीके से निकालोगे, बताओगे आप जो वृत्त की परिधि होती है उसमें। चल नहीं रहा सर, नितिन नायक कर शिवा सर कब पढ़ाएंगे, इसके बाद शिवा सर पढ़ाएंगे आपको, नितिन नायक सर क्लियर नहीं दिख रहा है, ज्ञानदीप कुमार कर रहे, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इसके आगे सवाल देखिए आप लोग ध्यान से। यहां पे इसके आगे देखिए सवाल को, यहां पे अगर आपको यह निकालना है पथ के अनुदिश आंतरिक किनारों पर एक चक्कर में लगाने में चली गई दूरी अगर आपको निकालना है तो आप दूरी कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान से। अगर आप बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर रहे हो तो बिंदु ए से और बिंदु बी पे जाओगे तो बताओगे आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, बताओगे 106 मीटर की दूरी तय करोगे। और उसी तरीके से आपको बी सी और डी, आपको एक चाप दिखाई दे रहा है ना, अगर इस चाप की लंबाई पता कर लेते हो आप और साथ साथ इस चाप की जो लंबाई होगी और साथ साथ आप फिर क्या करोगे, इस चाप की लंबाई में और इसको जोड़ोगे आप, और उसके बाद जब बिंदु डी से और बिंदु ई पे आ रहे हो तो आप बताओगे ए बी, जब बिंदु डी से और बिंदु ई पे आओगे तो आपको 106 मीटर की दूरी तभी भी चलना पड़ेगा, तो 106 मीटर की दूरी जोड़ लीजिए। आप फिर क्या कर लीजिए, आप जो ई से लेके ई एफ और ए जो है यह चाप है इसकी लंबाई निकाल लीजिए आप, तो जो यह लंबाई होगी और जो यह लंबाई होगी और जो यह लंबाई होगी और जो यह लंबाई होगी, इन चारों लंबाइयों को आपस में ऐड कर दोगे तो आप बताओगे कि जो यह लंबाई होगी वही लंबाई तो आप एक चक्कर इसके आंतरिक भाग में चक्कर लगा रहे हो तो चली गई दूरी होगी ना, तो आपको यही दूरी निकालना है। तो अगर यह दूरी निकालना है तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा देखिए ध्यान से। अगर मैं क्या करता हूँ, ए से लेके बी तक की दूरी है पूछो आपसे कितना है, तो बताओगे यहाँ पे ए प्लस बी, यह दूरी निकाल लीजिए आप। और उसी तरीके से आप निकाल लीजिए जो चाप बी सी डी है, इस चाप की लंबाई निकाल लीजिए, तो यहां लिखिए आप चाप बी सी डी, इसकी लंबाई लिख लीजिए आप। अब प्लस क्या बताओगे आप, डी से लेके ई तक की लंबाई कितना है, तो यहां लिखिए आप प्लस डी ई कर लीजिए।
और प्लस उसी तरीके से आप चाप ई एफ ए को कर लीजिए, यहां पर लिखेंगे आप चाप चाप ई एफ और क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए जिसका मान आपको पता है उसका मान आप रख लीजिए, तो आपको यहाँ पे चाप ए बी की लंबाई पता है ना, नहीं यहाँ पे तो ए बी है या जो रेखाखंड है इस रेखाखंड की लंबाई सवाल में 106 मीटर दिया है ना, तो आप क्या कर लेते, जो ए बी वो रेखाखंड है और इसकी लंबाई सवाल में आपको 106 मीटर दिया है, तो ए बी की जगह आप रख लीजिए 106 और प्लस जो चाप बी सी डी है, तो देखिए ध्यान से जो चाप बी सी डी है इस चाप की लंबाई अगर पता करना है तो कैसे निकालोगे, आपके सवाल में यह कह रहा है कि जो यह दौड़ का पथ बनाया गया है वह किनारों पर अर्धवृत्ताकार है, अगर अर्धवृत्ताकार है तो अगर आप अर्धवृत्त की परिधि निकालते हो क्या करते हो, अगर आप अर्धवृत्त की परिधि निकालते हो जो अर्धवृत्त की परिधि होगी वही तो चाप बी सी डी के बराबर होगी ना, वही किसके बराबर हो जाएगी, चाप बी सी डी के बराबर हो जाएगी। और जब चाप बी सी डी की लंबाई अगर आपको पता हो जाएगी तो आप क्या कर लीजिए, जो यह चाप की लंबाई पता हो जाएगी इसी चाप की लंबाई में दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस चाप की भी लंबाई पता हो जाएगी, तो आप यही काम कर लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इस चाप की लंबाई निकालना चाहूंगा तो बताओगे अर्धवृत्त का फार्मूला लगाने के लिए, अर्धवृत्त की परिधि का, तो बताओगे अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू होता है, अब बताओगे जब पूरा वृत्त होता है उसकी जो परिधि होती है वह 2 पाई आर होती है, क्या होती है, जब पूरा वृत्त होता है तब वृत्त की परिधि आप बताते हो 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में चर्चा करना है तो आप बताओगे अर्धवृत्त की परिधि होगी, तो अगर अर्धवृत्त की परिधि होगी तो बताओगे 2 पाई आर अपान में 2 कर लीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा और पाई का मान अगर सवाल में नहीं दिया तो 22/7 ही रख लीजिए, तो यहाँ पे सवाल में पाई का मान 22/7 रख लीजिए तो 22/7 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं आपसे इसकी त्रिज्या क्या होगी तो ध्यान से देखिए इसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे, जो इसके किनारे पे आपको जो अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है इस वृत्त की अगर आपको त्रिज्या पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, ध्यान से देखिए, ठीक ना। यहाँ पे अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या पता करना है कैसे पता करोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं आपसे जो बिंदु बी है और जो बिंदु डी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, तो बताओगे सवाल में दिया 60 मीटर दिया है ना, तो आप बताओगे कि जो बीडी होगा पे इसका व्यास का कार्य कर रहा है, तो आप बताओगे व्यास अगर इसका कितना है 60 मीटर है, तो अगर मैं पूछूं आपसे तो या इसकी त्रिज्या कितना हुआ, तो बताओगे 60 का आधा कितना होता, बताओगे 30 हो जाएगा और 30 मीटर इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक ना। तो जो यह वृत्त आपको दिखाई दे रहा है अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, इस अर्धवृत्त की अगर पूछो त्रिज्या कितना हुआ तो बताओगे 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 60 का आधा करोगे बताओगे 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे त्रिज्या की जगह क्या रख लीजिए आप 30 रख लीजिए। अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो बताओगे यहाँ पे 3 × 6 हो जाएगा और 3 × 6 और यहाँ पे 1 0 तो यहाँ पे 1 0 लिख लीजिए तो 660 हो जाएगा और बट्टा पे 7 है तो बट्टा पे 7 कर लीजिए। और यहाँ पे इसका मान अगर पूछो मीटर में होगा सेंटीमीटर में, तो बताओगे इसकी त्रिज्या अगर मीटर में तो इसका मान भी किसमें आएगा मीटर में आ जाएगा। तो अगर पूछो आपसे कि जो अर्धवृत्त की परिधि कितना आई है, मतलब अगर पूछो आपसे कि जो चाप बी सी डी है इस चाप की लंबाई कितना होगा, तो बताओगे 660 बटा पे 7 मीटर आएगा, क्या बताओगे। अगर पूछो आपसे कि जो चाप बी सी डी है इस बी सी डी चाप की लंबाई कितना होगा, तो आप बताओगे 660 बटा पे कितना होगा, 60 जो आएगा यह आएगा आप बताओगे इस चाप हो जाएगी, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए मैंने इस चाप की लंबाई पता कर लिया है कि जो इस चाप की लंबाई होगी वह 660 बटा पे 7 मीटर आएगी, लेकिन ध्यान से देखिए आप उसी तरीके से इस साइड में भी आपको चाप दिखाई दे रहा है ना, अगर इस चाप की लंबाई चाहिए तो आप बताओगे इस चाप की त्रिज्या भी निकालना पड़ेगा। तो आप देखो अगर पूछो आपसे ए से लेके जो ई दोनों बिंदु है इसके बीच की दूरी कितना हुआ, तो बताओ ए बी दूरी कितना हुआ 60 हुआ और यहाँ भी त्रिज्या निकालोगे तो यहाँ पे त्रिज्या कितना होगा 30 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो त्रिज्या वही त्रिज्या यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी क्षेत्रफल निकालोगे जो क्षेत्रफल यहाँ पे आया है वही क्षेत्रफल यहाँ पे भी आएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों किनारों पर अर्धवृत्त बने हैं, जो दोनों किनारों पर अर्धवृत्त बने हैं इसकी परिधि क्या होगी आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप
यहां पर लिख लीजिए दोनों किनारों पर, दोनों किनारों पर अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू, अर्धवृत्त की परिधि इक्वल टू, यहां पे क्या बताओगे आप? अगर यहां पे बता रहे इस वाले जो वृत्त है तो यह अर्धवृत्त है, इसकी परिधि बता रहे हो आप 660 बट्टा पे 7 है, तो अगर आपको दोनों वृत्त की परिधि निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, तो यह वृत्त की परिधि निकालो, इसी में क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक ना। यहां पर लिखोगे 2 × 660 और बट्टा पे कितना होगा 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो बताओगे 0 हो जाएगा, 6 × 12 होता तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, और 6 × 12 एक 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1320 बट्टा पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये पूछो आपसे कि जो चाप है दोनों किनारों पर अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा, तो आप बताओगे यहाँ पे 1320 बट्टा पे 7 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। आप देखिए अगर यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे एबी की लंबाई तो आपको पता था कितना है, यहाँ एबी की लंबाई 106 मीटर है, और जो चाप बीसीडी है, चाप बीसीडी इसकी लंबाई यहाँ पे निकाले थे तो 660 बट्टा पे 7 है, इसको अलग अलग कर लीजिए, 660 बट्टा पे 7 है। और प्लस उसी तरीके से पूछो आपसे कि जो डीई है इसकी लंबाई कितना होगा, तो बताओगे ये भी लंबाई कितना होगा 106 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे बताओगे 106 करने के लिए। और प्लस जो चाप है, जो चाप ई एफ ए है, इसकी अगर पूछो लंबाई कितना होगा, इसका भी लंबाई बताओगे, इसका भी लंबाई बताओगे आप, तो इतने हो जाएगा 660 बट्टा पे 7 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ पे जोड़ोगे 106 और यहाँ पे प्लस 106 है, तो बताओगे 212 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 106 में 106 को जोड़ोगे तो 212 हो जाएगा। अब फिर क्या कर लीजिए आप, जो 660 है, जो 660 बटा पे 7 है और प्लस 660 बटा पे 7 है, इसको आपस में ऐड करोगे तो बताओगे हो जाएगा 1320 और बटा पे कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा तो बताओगे 1320 बटा पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर लीजिए आप, अगर इसको सॉल्व करोगे बताओगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 × 2 = 14 हो जाएगा, और कितना बचेगा 1 बचेगा, 7 × 1 = 7 कितना होगा 8 हो जाएगा, और 7 × 2 कितना होगा बताओगे 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1484 हो जाएगा, और प्लस कितना हुआ 1320 हो जाएगा, ठीक ना। और बट्टे पे कितना कर लीजिए आप, 7 कर लीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टे पे 7 हो जाएगा। अब इसके बाद ऐड कर लीजिए आप, तो यहाँ पे 4 और 0 जोड़ोगे 4 हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 और 3 जोड़ोगे और 1 हासिल कितना हो जाएगा, तो 4 × 3 = 7 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × 1 कितना होगा बताओगे 2 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे कितना खुशबू कर रहे सर, क्लियर नहीं, क्या प्रॉब्लम है एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग, तो वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप लोग अपने मोबाइल से, वीडियो की क्वालिटी आप खुद अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, तो आपको क्लियर दिखाई देगी। क्लियर दिखाई सर, क्वालिटी 720 है, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है सर, सर वीडियो क्लियर नहीं है, रूपम सिंह कर रहे हैं, देखिए यहां तक मैंने आपको निकाल दिया है, रुक रुक के चल रहा है वीडियो सर, ऋतिक नायक कर रहा है, यहां पे देखिए, यहां पे अगर पूछो आपसे पथ के अनुदिश आंतरिक किनारों पर एक चक्कर लगाने में अगर पूछो आपसे चली गई दूरी कितना होगा, तो बताओगे चली गई दूरी 7 मीटर होगा, ठीक ना।
अगर पूछूं आपसे कि अगर आप एक चक्कर लगा रहे हो इसके आंतरिक किनारों पर, तो मैं पूछूं आपसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो बताओगे 2804/7 सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा, इतना मीटर की दूरी आपको क्या करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। ठीक ना, नेट प्रॉब्लम है सर, अब वॉयस क्लियर नहीं है, वॉयस से प्रॉब्लम है सर। देखिए इसका पहला सवाल आपका लग गया है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पथ की लंबाई निकालना था या चली गई दूरी निकालना था, तो यहाँ बताओ 2804/7 मीटर आ जाएगा। या तो आप इसका उत्तर इतना रहने दीजिएगा, या तो 2804 में क्या कर दीजिएगा, 7 से भाग कर दीजिएगा, जो मान आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए इसके मैं अगले सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले में तो क्या था, आपको पथ के अवधि से आपको एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकाला था, और दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा है कि जो यह रास्ता है, जो यह पथ है, इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा, जो यहाँ पे पथ बनाया हो इस पथ का एरिया पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा। अगर इस पथ का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो यह रास्ता है इसी का एरिया निकालने के लिए सवाल ये कह रहा है। ठीक ना, जो यह रास्ता मैं दिखा रहा हूं आपको, इसी रास्ते का आपको क्या करना है, इसी पथ का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो अगर इस रास्ते का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक ना, तो पहले देखिए ध्यान से, आप जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और नीचे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यह आपको आयत दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि आयत तो होती है, आयत में चार भुजाएं तो होती है, लेकिन इसकी जो लंबाई होती है और चौड़ाई होती है वो आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन जो वर्ग होता है वर्ग में लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई तो आपको पता है कितना है, तो बताओगे 106 मीटर है, और यहाँ पे जो ये रास्ता है, इस रास्ते की अगर पूछो आपसे चौड़ाई कितना है, तो बताओगे इस रास्ते की चौड़ाई सवाल में दिया है 10 मीटर है। इस रास्ते की चौड़ाई कितना दिया सवाल में, बताओगे 10 मीटर है। अगर इस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है तो आप निकाल सकते हो ना, अगर यहाँ यहाँ पे E है और यहाँ पे F है, और इसको G कह लीजिए और इसको H कह लीजिए आप, और इसको आप कह लीजिए I है, और यहाँ पे इसको J कह लीजिए, और इसको आप लोग कह लीजिए K है, और इसको कह लीजिए आप लोग F है। ठीक ना, तो अगर यहाँ पे आपको एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, A B H G का। अगर आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी बताओगे लंबाई में अगर थोड़ा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या निकल जाता है, उस आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से ए बी एच और जी, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो बताओगे 106 में मल्टीप्लाई करने के लिए 10 से, अगर 106 में 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बताओगे ए बी। उसी तरीके से अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका भी क्षेत्रफल आप क्या कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और इसी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, जो यह वाला पथ दिखाई दे रहा है इस पथ का भी एरिया निकालना है ना। अगर इस पथ का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से आप समझिएगा, यहीं पे आपको थोड़ा समझने वाली बात है। इसका एरिया तो आप आयत के फार्मूले पे निकालोगे, और इसका जो एरिया निकालोगे इसी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे जो यह वाला है एरिया है, इस वाले एरिया को कैसे निकालोगे, अगर इसको इस एरिया को निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे। देखिए अगर आप क्या करते हो कि पहले एक बार जो यह वाली त्रिज्या है, इस वाली त्रिज्या को लेकर क्या करिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और एक बार क्या करिए आप पूरा यहां से लेके और यहां तक जो त्रिज्या है इस त्रिज्या को ले लीजिए आप, तो अगर इस वाले त्रिज्या को लेकर क्षेत्रफल निकाल दीजिए पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, और पूरे क्षेत्रफल में से आप क्या कर लीजिए, तो या छोटी त्रिज्या ले रहे हो आप, इस त्रिज्या को लेकर अगर क्षेत्रफल निकाल लो तो बड़े वाला जो बड़ा वाला क्षेत्रफल निकाल लो, उस बड़े वाले क्षेत्रफल में क्षेत्रफल निकाल लो, उस बड़े वाले क्षेत्रफल में से आप क्या कर लीजिए, जो छोटा वाला क्षेत्रफल उसमें से घटा दीजिए, तो बताओगे जो यह वाला फिगर है इस फिगर का क्या हो जाएगा, क्षेत्र पता हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे अगर मैं इस सवाल को मिटा रहा हूँ और इसके बाद इसके दूसरे सवाल को मैं लगा रहा हूँ, तो यहाँ इस वाले को मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल लिखना चाहोगे तो आप बताओगे
यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि जो रास्ता इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे पथ का क्षेत्रफल। अगर पूछो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा तो बताओगे आप जी एच बी ए का क्षेत्रफल, क्या बताओगे, यहां बताओगे जी एच बी और यहां ए का क्षेत्रफल, ठीक ना। और प्लस क्या करोगे आप, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, यहां पे लिखा है जी एच बी ए का क्षेत्रफल, तो मतलब यह वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। और प्लस में क्या कर लीजिए आप उसके, चल रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए वीडियो क्लियर है क्या। आप देखिए क्या करिए आप, यहां पर मैंने आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बता दिया आपको, अब इसके बाद क्या कर लीजिए, मैंने आप इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बता दिया आपको, अब इसके बाद क्या कर लीजिए आप कि जो अर्धवृत्त, यहां पे देखिए क्या करिए आप, यहां पे इसका एरिया आप निकालोगे इस तरीके से लिखोगे जी एच बी ए का क्षेत्रफल, और प्लस क्या करोगे, प्लस बताओगे जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो आप बताओगे यहां पे जो बड़ा वाला अर्धवृत्त बन रहा है, तो यहां पे लिख लीजिए बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहां पे बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस में क्या कर लीजिए आप, माइनस में क्या कर लीजिए आप, जो यहां पे छोटा अर्धवृत्त बना, देखिए ध्यान से, या जो इस तरीके से अगर इस वाले भी त्रिज्या को ले रहे हो, इस तरीके से यह बड़ा अर्धवृत्त बनेगा, और एक बार आप इसको यह वाला लोगे तो यह क्या बनेगा, छोटा अर्धवृत्त बनेगा ना। तो यहां पे क्या कर लीजिए, बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर यहां पे जो छोटा अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल उसमें से घटा दीजिए, क्या करना आपको, अगर बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो क्या पूरा एरिया आ जाएगा इसमें, अगर पूरा एरिया आ जा रहा है उसमें से जो छोटा अर्धवृत्त बन रहा है उसका क्षेत्रफल उसमें से घटा दीजिए, अगर छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो जो यहाँ पे छायांकित भाग है जो मैंने रंगीन किया है, या कह सकते हो जो यह अर्धवृत्ताकार पथ है, इस अर्धवृत्ताकार पथ का क्या हो जाएगा आपको एरिया पता हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे वही चीज मैं लिखा हूं, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या बताओगे आप, माइनस बताओगे आप छोटे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना। आप देखिए क्या रही आप, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, दोनों में दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो से मल्टीप्लाई क्यों करोगे, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जी एच बी ए, इसका एरिया निकालो आप, और साथ साथ में मैंने क्या किया है कि जो यह वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे वृत्ताकार, जो